ये चावल देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। और एक सीक्रेट बताऊं, ये पता है कोई बाजार का चावल नहीं है, जो गवर्नमेंट हमें राशन में प्रोवाइड करती है ना, ये वो वाला चावल है। तो आइए चलो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लेज मॉम शालनी पर, और बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास चावल लिए हैं, इनको मैंने धो के अच्छे से इसमें नमक, एक चम्मच नमक और आधे चम्मच हल्दी मिला के रख दिया। और ये तब मैंने मिला के रखा जब मैं प्याज टमाटर और जो भी मेरे पास सब्जियां थी जब तक मैंने वो कट की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और यहाँ पे मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, दो तेजपात पत्ते, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और थोड़ा सा जीरा और थोड़े से सरसों के दाने, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज भूनने के लिए। मुझे किसी ने चैलेंज किया था कि आपने ना छोले इतने अच्छे बनाए हैं, तो प्लीज़ आप राशन से जो चावल मिलते हैं वो भी थोड़ा बताइए आप उनको कैसे अच्छा बनाएंगी, कि वनस्पति चावल हम लोग लेकर आते हैं वो उनका टेस्ट अच्छा होता है, वो बिखरे बिखरे बनते हैं, आप इनको अच्छा बना के दिखाइए। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो फिर यहाँ पे जब तक मेरी प्याज भुन गई थी, तो मैंने यहाँ पे दो मिर्ची के लंबे लंबे टुकड़े करके इसमें डाल दिए और उसको भी थोड़ा सा भूना, फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए। फिर टमाटर ऐड करने के बाद मैंने नमक ऐड किया, और नमक को थोड़ा ध्यान दें क्योंकि हमने चावलों में भी नमक मिला के रखा है, इस वजह से थोड़ा इसका ध्यान रखें ज़रूर। और फिर मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी, आपको जो सब्ज़ी पसंद है वो आप इनमें डाल सकते हैं। मेरे पास अभी गाजर और आलू ही थे, अगर गोभी मटर और भी कुछ होता तो मैं डाल लेती, पर मेरे पास नहीं था। तो मैंने उनको एक से दो मिनट उनको पकाया सब्जियों को, और फिर इसमें मैंने जो चावल साफ करके रखे थे ना हल्दी नमक मिला के, वो भी ऐड कर दिया। फिर साथ ही साथ मैंने इसमें जो हमारे पास नॉर्मल मसाले होते हैं, मिर्ची पाउडर, नमक तो पहले ही ऐड कर दिया था, धनिया पाउडर हाँ वो ऐड कर दिया। और कम से कम 3-4 मिनट मैंने चावलों को अच्छे से पकाया, और साथ में मैंने इसमें ना किचन किंग मसाला भी ऐड किया था, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप कभी डाल के देखिएगा, आप देख सकते हैं कितनी अच्छा कलर आया है हमारे चावलों का। और फिर मैंने यहाँ पे एक ग्लास चावल लिए थे तो 2 ग्लास पानी ऐड किया, क्योंकि राशन के चावल हैं थोड़ा पानी अच्छा लेते हैं इस वजह से, क्योंकि वैसे अगर आप कुकर में बनाएंगे तो 1 ग्लास चावल है तो 1 ग्लास पानी करना होता है, पर यहाँ पे हम खोल के बना रहे हैं और सब्जियाँ भी थोड़ा सा चावल मतलब पानी पियेंगी, तो इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको 20 से 25 मिनट मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे पकाया, और ये देखिए गर्मा गर्म चावल मेरे बनकर तैयार हैं, एकदम बिखरे बिखरे। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।